हेलो दोस्तों, मैं युसक से प्रयागराज में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने कल कहा था आपको, पंचायती राज व्यवस्था से हम इंडियन पॉलिटिक्स चालू करेंगे, तो आज बढ़ेंगे हम लोग पंचायती राज व्यवस्था है क्या और उसका विकास कैसे हुआ और उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ग्राम व ये पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो इसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, इसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, यानी कि लोकल लेवल की शासन व्यवस्था। दोस्तों इसमें ग्राम व जिला स्तर का शासन होता है, जैसे ग्राम लेवल पर ग्राम प्रधान होते हैं, जिला स्तर पर जो है जिला परिषद एक समिति होती है जिसका अध्यक्ष जिला अधिकारी होता है। तो और इसके बाद यह है राजनीतिक शक्ति का विस्तार, यानी कि राजनीतिक रूप से लोगों की भागीदारी होती है, यानी कि राजनीतिक शक्ति का विस्तार का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक रूप से आम आदमी की भागीदारी होती है जो अपने समस्याओं का निराकरण कर सके और अपने समस्याओं से संबंधित कोई स्कीम या उसको कैसे लागू करना है वो है। और तीसरी पॉइंट है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था प्लस सहभागिता मूलक लोकतंत्र। तो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब है तो दोस्तों कि कुछ शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देना, यानी शक्ति का बंटवारा, यानी अपने कुछ शक्तियों को बांट देना। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकृत किया गया है, यानी कि कुछ शक्तियों को दे दिया गया है लोकल स्थानीय लेवल पे। और इसमें सहभागिता मूलक एक लोकतंत्र है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है। तो एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें सहभागिता मूलक है, यानी कि लोगों की सहभागिता होती है। तो दोस्तों ये हो गया कि इसका पंचायती राज व्यवस्था का मतलब और इसका विकास कैसे हुआ है। आइए हम इधर देखते हैं, चोल साम्राज्य व विजयनगर साम्राज्य है प्राचीन काल का। जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा चोल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई है और कहाँ था। ये दक्षिण भारतीय के राज्य थे चोल साम्राज्य और विजयनगर। वहाँ पे देखते हैं कि अयंगार एक व्यवस्था थी जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। और अगर आधुनिक काल में देखें तो एक गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कहेंगे, इनको वायसराय ही कहा जाएगा क्योंकि उस समय कैनिंग 1858 में आए थे, तो उस समय गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाता था। तो उसमें लॉर्ड रिपन जो आए थे, ये इनका कार्यकाल 1880 से 84 था। तो इन्होंने अपने जहां ये प्रेसिडेंसी में थे भारत में, मद्रास में लागू किए थे 1882 में। वहाँ पर देख लोकल लेवल पर इन्हें नगर पालिका में जो है कुछ नियुक्तियाँ इलेक्शन के थ्रू हुए थे, मतलब चुनाव के थ्रू निर्वाचित होकर आए थे कुछ व्यक्ति इनके जो वहाँ पे प्रेसिडेंसी लेवल की थी, जैसे नगर पालिका होती है ना उसमें। और अगर देखें उसके बाद जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 शासन की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को, मतलब जो लोकल लेवल की गवर्नेंस थी उनको हस्तांतरित विषय में रखा गया था। ये दो विषय थे दोस्तों, एक आरक्षित होता था एक हस्तांतरित होता है। आरक्षित विषय में जैसे वो उसका क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल के थ्रू होता था, और हस्तांतरित विषय प्रांतों को दे दिया गया था। तो अगला जो है दोस्तों ये संविधान सभा जो है, संविधान सभा में बात हुई थी कि ग्राम से पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसमें गांधी जी ने ये विचारधारा से संबंधित है, उन्होंने इसका सपोर्ट किया था कि जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया जाए। लेकिन विपक्ष में B.R. अम्बेडकर, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो सामंती व्यवस्था से लोग ग्रसित हो जाएंगे और फिर से जो हम लोग लोकतंत्र चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो जो पहले की सामंती व्यवस्था थी उससे लोग प्रभावित होंगे। और अपने नीति निर्देशक तत्व में भी कहा गया है, आर्टिकल 40 में कहा गया है कि जो है ग्राम पंचायतों का गठन राज्य करेगा और उन्हें कुछ शक्तियां और प्राधिकार देगा जिससे वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पंचायती राज व्यवस्था का मतलब और विकास। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ कमेटियाँ बनी हैं जिन्होंने अपना जो है समय समय पे कुछ सिफारिशें सुधार दिए हैं। तो इसमें सबसे पहले कमेटी बनी थी B.R. मेहता कमेटी, B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में आई थी। और
बीआर मेहता ने तो कई पॉइंट दिए हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से वही बात करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले था एक कि त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय व्यवस्था यानी कि तीन स्तरीय व्यवस्था, एक ग्राम लेवल की, ग्राम स्तर की, एक ब्लॉक स्तर की और एक जो है जिला स्तर की। इसे जो है ग्राम पंचायत कहा जाता था, इसे क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, और इसे जो है जिला परिषद। और इसने एक तो ये मॉडल दिया, एक पॉइंट ये कहा, और दूसरी पॉइंट ये कहा कि जो सरकार का काम हो, सरकार का काम मार्गदर्शन करना यानी गाइडेंस, इन संस्थाओं का निरीक्षण करना, और उच्च स्तर योजना बनाने तक यानी कि योजनाओं को बनाने तक और तीसरा पॉइंट जो है इसने कहा कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जैसे कि मैंने पहले बताया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या होता है कि अपने कुछ पावर को बांट देना या शक्तियों का केंद्रीकरण से जगह विकेंद्रीकरण कर देना या शक्तियों का बंटवारा कर देना, यानी कि कुछ शक्तियाँ उनके पास रहे राज्य विधानमंडल के पास, कुछ जो है लोकल गवर्नमेंट के पास रहे, तो ऐसे ही है। और दोस्तों देखेंगे कि इसके बाद कौन सी कमेटी आई, तो ये बी आर मेहता जो कमेटी आई थी 1957 में, इसके कुछ अनुशंसाओं को देखते हुए 1958 में रिपोर्ट ये इस कमेटी ने दिया था, और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में इसे सबसे पहले उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये नागौर ज़िले में राजस्थान में सबसे पहले उद्घाटन किया गया था, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में इसकी वो जो है की गई थी लागू 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में 1959 को। तो ये है दोस्तों, इसके बाद कई कमेटियां भी आई, ये तो मान लीजिए लागू कब हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि और इससे संबंधित कितनी कमेटियां आई थी। जैसे आपकी अशोक मेहता कमेटी आई थी, उन्नीस में इन्होंने कहा कि जहां वो त्रिस्तरीय दिए थे, जहां पे उन्होंने क्या कहा था, बी आर मेहता साहब ने, बलवंत राय मेहता ने कहा था कि त्रिस्तरीय कमेटी होनी चाहिए, वहां पे इन्होंने दो स्तरीय व्यवस्था दी, एक जैसे ग्राम स्तर का यानी ग्राम पंचायत, एक जिला परिषद यानी जिले स्तर का, यानी कि जो हमारा ब्लॉक स्तर का होता है उसके लिए इन्होंने कहा जरूरी नहीं है, अगर 20,000 से
राज्य की जनसंख्या 20,000 से कम है, राज्य की जनसंख्या अगर 20,000 से अगर राज्य की जनसंख्या 20,000 से कम है तो जरूरी नहीं है त्रिस्तरीय ही मॉडल त्रिस्तरीय व्यवस्था किया जाए, जो स्तरीय चल सकता है जिसमें एक ग्राम स्तर ग्राम पंचायत शासन एक जिला परिषद शामिल है। इसके बाद जो है दोस्तों जी वी के राव समित ये दोस्तों जो है 1985 में आया था दोस्तों। ये विभिन्न समितियाँ बताने का मकसद यही है कि इनसे मिलान के लिए आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। और इसके बाद जो है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति '86 में आया था, इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि वही शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, इन्होंने भी वही मतलब जो बी आर मेहता में लगभग कमेटियां थी जो सिफारिशें दिए थे वही ये लोग भी दिए हैं। थोड़ा बहुत अंतर है, कुछ अपनाया गया लेकिन जो बी आर मेहता की कमेटियां हैं लगभग उसको अपना लिया गया है। और इसके बाद जो है इसमें कहा गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक संस्था बनाया जाए, संवैधानिक संस्था का मतलब वो होता है दोस्तों कि जो जिसका संविधान में उल्लेख हो, जिसका संविधान में किसी न किसी आर्टिकल में उल्लेख हो उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है या संवैधानिक व्यवस्था कहा जाता है। अगर कोई पूछे पंचायती राज व्यवस्था जो है संवैधानिक है कि नहीं है तो ये एक संवैधानिक संस्था है। इसके बाद दोस्तों अब पढ़ेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक स्थिति क्या है। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि आपको पता होगा 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, लेकिन पारित जो है 20 अप्रैल 1993 को हुआ था और लागू 1993 को। कहने का मतलब यह है कि जो इसी दिन से लागू हुआ था ये, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पंचायती दिवस इसी दिन मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो आगे पढ़ते हैं कि इसका जो है भारतीय संविधान में जैसे आप जब पढ़ेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन आया था इसके तहत संविधान में शामिल किया गया है। इसके तहत जो है इसको संविधान में शामिल किया जिसमें भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 और अनुसूची 11th। और दोस्तों इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं, जो ये इसके जो विषय होते हैं कितने विषय उसमें शामिल किए गए हैं तो ये टोटल 29 विषय हैं। कहने का मतलब ये संविधान में जो है जो शामिल किया गया है 73 संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था
इसमें भाग 9 शामिल किया गया है इस संविधान संशोधन के तहत, और दूसरी जो है अनुसूची 11 अनुसूची। और जब संविधान दोस्तों हम जब शुरू करेंगे वहाँ पे चार्टर पढ़ाएंगे, जब संविधान एक एक से वो आर्टिकल अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कितने कितने भाग हैं कितने वो हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी तो हम पंचायती राज व्यवस्था कल बोल दिए थे इसलिए शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों ये है, इसके तहत 29 विषय शामिल किए गए हैं। तो अब दोस्तों इसको देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख उपबंध, मतलब उसमें क्या क्या बात किए गए हैं। दोस्तों इसमें जैसे एक ग्राम पंचायत होती है, एक ग्राम सभा होता है, दोस्तों ये जो संविधान में शामिल किया गया है इसे आर्टिकल जो है 243 से 243 अड़ा या ओ आर्टिकल के तहत जो पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है, यानी कि जो संवैधानिक स्थिति इसकी है, जैसे संवैधानिक संस्थान जब बताना होगा यानी कि वो संविधान में शामिल किया गया है, तो ये 243 से 243 अड़ा तक इसकी व्यवस्थाएं की गई है। इसमें जैसे जब आप पढ़ेंगे कि ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, और इसके लिए वित्त की व्यवस्था क्या की गई है, इसका निर्वाचन कैसे होता है, वो सब व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो दोस्तों एक ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत उसे कहा जाता है इसे स्थानीय प्रशासन के लिए गठित किया जाता है। और दूसरा ग्राम सभा में जैसे जो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो गांव परिवेश में एक मतदाता सूची होती है जिसमें पता होता है कि उस मतदाता को किसको वोट देने का अधिकार है। मतदाता सूची वही होती है जिसे जो मतदाता सूची में जितने लोग का नाम होता है उसी को ग्राम सभा बोला जाता है। तो दूसरों और इसके जो है एक राज्य वित्त आयोग आयोग राज्यपाल जो है हर 5 साल के लिए प्रत्येक प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग दोस्तों वो करता है जैसे कि इसका वित्त कहाँ कहाँ से दिए जाए और कैसे राज्यों का हिस्सा बंटवारा हो, जो राजस्व मिलते हैं उसमें कैसे बंटवारा हो। और एक और चीज़ है जो राज्य निर्वाचन आयोग, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका जो निर्वाचन होता है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, जिसका एक निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।
इसकी पदावधि सेवा शर्तें राज्यपाल ही तय करता है। तो दोस्तों ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के कुछ उपबंध। उस उपबंध में देखना है कि क्या अनिवार्य है, क्या स्वैच्छिक है। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से जो आते हैं क्वेश्चन वहाँ से वो बताएंगे। 73वां संविधान संशोधन, इसके दो पार्ट हैं, एक अनिवार्य जो करना ही करना है, एक स्वैच्छिक है जो छोड़ दिया गया है, जो आप अपने आवश्यकता अनुसार करेंगे। तो अनिवार्य में क्या है कि जो है हर राज्य विधानमंडल, मतलब जो राज्य विधानमंडल होता है राज्य का, वो ग्राम पंचायत का गठन करेगा, ग्राम सभा का गठन करेगा, ये अनिवार्य है। अनिवार्य में कई पॉइंट आ जाते हैं, जैसे पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी कि जो ग्राम प्रधान होंगे और जो है BDC होते हैं, उनका जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, सीधा निर्वाचन होता है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे मध्यवर्ती, यानी जो ब्लॉक स्तर के होते हैं, यानी कि ब्लॉक प्रमुख, उन्हें हम क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख को क्षेत्र पंचायत, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं वो भी सीधे चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से लेकिन उसका जो अध्यक्ष होता है वो इनडायरेक्ट चुना जाता है। ये जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, ये इन्हें BDC कहा जाता है, जो हमारे गांव में होते हैं BDC, ये जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं इनडायरेक्ट रूप से। इसी तरह एक है जिला पंचायत, जिला परिषद भी कहा जाता है। इसमें जो हमारे गांव के महाप्रधान होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और वो DM ही होता है, जिला अधिकारी होता है। और दोस्तों इसके बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग, महिला के लिए आरक्षण, जैसे महिला को 33% आरक्षण दिया गया, 1/3। और SC ST को भी आरक्षण दिया गया है, हर राज्य अपने अनुसार देगा, क्योंकि वहाँ पे इनकी संख्या के ऊपर डिपेंड करता है SC ST कितनी है। तो दोस्तों ये पॉइंट हो गया जो स्वैच्छिक अनिवार्य वाले हैं। स्वैच्छिक में क्या है कि जैसे कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे त्रिस्तरीय हो, जैसे यहाँ पे त्रिस्तरीय हमने दिखाया ना, ये एक ग्राम पंचायत, एक क्षेत्र पंचायत, एक वो जिला परिषद, यहाँ पर जरूरी नहीं है, अपने ऊपर है वहाँ की जनसंख्या कितनी है। जैसे एक दो स्तरीय भी हो सकता है, और दूसरी चीज जो है जो आरक्षण से संबंधित है, जैसे महिला आरक्षण, वन
तिहाई से हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि कोई राज्य जो है 50% तक आरक्षण दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और ओबीसी का आरक्षण चक्रा एक रोटेशन के अनुसार होता है, रोटेशन जिसे कहा जाता है चक्रानुमा, उसके आधार पर जो है ओबीसी को आरक्षण दिया जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि ओबीसी को ही आरक्षण मिले, कहने का मतलब ये स्वैच्छिक है, दिया भी जा सकता है नहीं भी दिया सकता है। तो दोस्तों ये है 73वां संविधान संशोधन, कुछ पॉइंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि ग्राम प्रधान मतलब चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। जैसे जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें मिनिमम योग्यता 21 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे जो इनका कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का, पाँच वर्ष का होता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, इससे पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन एक अंतर है, अगर भंग होगी तो जो शेष कार्यकाल के लिए है उसी के लिए, उसी शेष समय के लिए ही बनेंगे। जैसे मान लीजिए एक साल तक वो बने, 1 साल बाद बंद हो गई, तो 4 साल बचा है, शेष कार्यकाल जो है 4 साल ही होगा। अब दोस्तों इसके बाद जो है देख लेते हैं कि जो पंचायती व्यवस्था का कार्य क्या है। कार्य तो सब लोकल लेवल पे ही होते हैं, जैसे ग्रामीण विकास से संबंधित, जिसमें सड़क पुल तालाब आदि का निर्माण करना, दूसरा जो है प्राथमिक हुआ माध्यमिक यानी कि मिडिल लेवल पे, शिक्षा से संबंधित, तीसरा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित, यानी ग्रामीण विकास के लिए सड़क पुल तालाब आदि का निर्माण करने के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि गांव में सुंदरीकरण के लिए आते हैं और उससे संबंधित, और दूसरा जो है प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा का व्यवस्था की जाती है वो है, और तीसरी चीज़ जो है प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो बहुत चीज़ें इसमें है, 29 विषय, 29 विषय। तो दोस्तों आज इतना क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जो शेष बचा है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू।